गुंडागर्दी खत्म कर दिया है, तानाशाही खत्म कर दिया है, सबको न्याय मिल रहा है, किसी की जमीन नहीं हड़पी जा रही है। लेकिन जेब तो ढीली हो रही है। क्या जेब ढीली हो रही है, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है आंख दिखा दे किसी को। भाई न्याय सबको मिल रहा है, छोटे वर्ग को, बड़े वर्ग को, सबको न्याय मिल रहा है। बस गारंटी गारंटी गारंटी, कोई गारंटी किसी कुछ नहीं। इस बार हाथ का पंजा जीतेगा तनुज पुनिया। तो जब पानी बरसत है तो निकले का कोई रास्ता नहीं है, जब वोट मांगे खोते तो आवत है, यू काम तुम्हार कर देवे वो काम कर देवे। मई को किसे चुनेगी जनता, ये जानने के लिए एनटीवी निष्पक्ष बाराबंकी लोकसभा सीट पर जमीनी ग्राउंड पर उतर चुका है। तो आज यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाली 20 मई को किसे अपना लोकप्रिय सांसद चुनेगी। सर शुरुआत आपसे, क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह जी। सुरेश जी बताएं, चुनाव आने वाला है, 20 मई को चुनाव होना है, जनता किसे चुन रही है बाराबंकी में? कमल 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 खिला रही है। कमल, 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 कमल ने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया है? गुंडागर्दी खत्म कर दिया है, तानाशाही खत्म कर दिया है, सबको न्याय मिल रहा है, किसी की जमीन नहीं हड़पी जा रही है, सब जगह मतलब शिष्टाचार से सब लोग बात कर रहे हैं। नहीं तो पहले जो है क्या कि जब चाहिए सब कोई लठ से मारता था, कोई किसी को गरियाता था, लेकिन इस समय जो है। लेकिन जेब तो ढीली हो रही है। क्या जेब ढीली हो रही है, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। भाई ये तो कौन सी सरकार हम लोग को खाना देती है? नहीं देती तो राशन पहले भी मिलता था, खाने की बात कर रहे हैं। बात ही नहीं है, जब तक हम लोग कमाएंगे नहीं तो राशन देने से पूरा नहीं हुई। तो सरकार कम से कम कुछ तो दे रही है, कुछ तो दे रही, सहारा सबको मिल रहा है, सबका आधार बन रहा है, सबके बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, सबको न्याय मिल रहा है। बैंक अकाउंट खुल रहे हैं मगर बैंक में होना भी तो चाहिए। बैंक में भाई जो सरकार से हो सकती है, जिसका बजट में है वो दे रहा है, सरकार दे रही है। अभी तक आपको कितना मिला? भाई हम तो हमारे पिताजी को सम्मान निधि मिलती थी, अब पिताजी मई में एक्सपायर हो गए, अब हम दो भाई हैं और मम्मी हैं, अब तीन लोग को मिलता है 2000 जो है। अभी हमें वो जो है क्या नाम है मिला है, और ये क्या होता है, लैट्रिन मिली है, शौचालय, हाँ शौचालय मिला है। तो आखिर जनता, आखिर सरकार देगी क्या, आप बताइए? मुंह में खाना तो देगी नहीं भाई, कर्म कीजिए, खाना खाइए भाई, जो उसके बजट में होगा वही तो देगी। घटतौली नहीं हो रही है, सब जगह एकदम निष्पक्ष हो रहा है, कोई घटतौली आप बताइए? बीजेपी में पारदर्शिता आपको लगता है? पारदर्शिता है ही है भाई, किसी की हिम्मत नहीं है आंख दिखा दे किसी को। भाई न्याय सबको मिल रहा है, छोटे वर्ग को, बड़े वर्ग को, सबको न्याय मिल रहा है। सर आपके पास आते हैं, क्या नाम है? अवधेश कुमार जी। अवधेश जी बताएं, क्या विचार बनाया है इस बार? दो बार सत्ता में, सबसे पहली बात यह है कि जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब ये चीज़ कहकर आई थी कि हम जो विदेश में जो काला धन है वो लेकर के आएंगे, और काफ़ी कुछ कहा था उन्होंने, जनता ने भरोसा जताया। 10 साल पिछले 2004 से 14 के बीच में 10 साल में काफ़ी कुछ उलट पुलट हुआ, भ्रष्टाचार रहे, सब कुछ हुआ, जनता ने मन बना लिया था। कब मनमोहन सिंह सरकार से कांग्रेस ऊब गई थी, ये नए नए दावे वादे करके आए, तो जो जनता ने सोचा रुझान बीजेपी की तरफ आया, तब जाकर के पूर्ण बहुमत से सरकार इनकी बनी। उस बात जिस दिन से मोदी जी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जो इनका ज़मीन पर चलता दिखाई दिया हो, बस अखबारों में, न्यूज़ चैनल पर, बस गारंटी गारंटी गारंटी, कोई गारंटी किसी कुछ नहीं। कह रहे थे कि 2022 में हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, फर्टिलाइज़र महंगा हो गया, कीटनाशक महंगी हो गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई। आलू भी तो महंगा हुआ। अरे आलू अब महंगा हुआ है, 4 साल बाद, अब 19 में आलू महंगा हुआ था, 4 साल बाद आलू की रेट मिली जी, 4 साल बाद अब महंगा हुआ है भाई। और सरकार में क्या मिलती थी आप? सरकार देखिए ऐसा है कि जैसे बड़े भाई साहब ने कहा सरकार क्या देती, सरकार अब न्याय की बात कह रहे थे, न्याय दे दे हम लोग को, न्याय मतलब न्याय ये दे दे, गुंडागर्दी खत्म हो जाए बस, कोई किसी गाली न दे, सब लोग 2 पैसा कमाएं और 2 पैसा खाएं, सरकार किसको क्या दे। किसानों को इस प्रकार से आप लोग शायद अच्छी तरह से जानते होंगे, कितनी दिन से जो है वहाँ पर जो है नाम लीजिए आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पर, टिहरी जो है बॉर्डर पर, लेकिन सरकार बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं। पहले सरकार तो बोल रही वो पैसे से लाए गए हैं। कौन से पैसे से लाए गए? जो वहाँ पर जो किसान हैं जो बॉर्डर पर बैठे गए, तो भाई सत्ता का कहना है कि वो पैसे से लाए गए हैं, जो वास्तव में किसान वो है ही नहीं।
ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ बीजेपी की आंखों से दिखाई देता है कोई किसान नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई किसान नहीं है, सारे किसान हैं। अब ये किसी के पास कम ज़मीन है, किसी के पास ज़्यादा है, बस ऐसा है और कुछ नहीं। आप भी बताएं, आपकी अपनी भी राय रखी। वोट करते हैं ना? नहीं, बीजेपी का वोट देते हैं, देंगे। बीजेपी के सपोर्टर है पूरी। हाँ, खुश है उनसे। हाँ मैडम, बीजेपी को वोट देंगे, बस। खुद से डिसाइड किया है या लो आपके? नहीं, अपने स्वयं डिसाइड किया है। कहाँ के रहने वाले? छोटी छिड़िया। कोई विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है, पानी मिल रहा है, सब दोनों घरों में टंकी बन रही है और नाली खड़ंजा बन रहे हैं, और क्या चाहिए। आपके क्षेत्र में दो प्रत्याशी हैं, एक तो बीजेपी से राजरानी रावत, दूसरा तनुज पुनिया। दोनों में कौन बेहतर है, कौन बेहतर कार्य कर सकता है? राजरानी रावत बेहतर है। बेहतर है जी। तनुज पुनिया क्यों नहीं? उनके पीएल पुनिया के बेटे हैं, पीएल पुनिया भी। अरे उसके कांग्रेस की कोई बात ही नहीं है, अब जो है बात केवल जो बीजेपी के, बीजेपी में मंदिर उन्होंने बना दिया, उसके को वोट देना है। मंदिर से पेट कहाँ भरेगा? नहीं, बिल्कुल भरेगा, उससे से भरेगा। आस्था खत्म हो जाएगी तो जो है आस्था तो होनी चाहिए। किसी आस्था से पेट कहाँ भरेगा जब तक दाल चावल सब्जी रोटी? दाल चावल तो मिल ही रहा है। सड़क पे बैठे हैं, उनसे पूछे जाके? तो उनसे क्या पूछे, वो तो खुद कमा रहे हैं, 500 रुपया 700 रुपया मजदूरी चल रही है, 700 रुपया मजदूरी दे रहे हैं हम लोग। बीजेपी ने क्या महिलाओं के लिए कुछ किया है लगता है? महिलाओं के लिए सब कुछ किया है, लेटरिन बनवा दिया, बाहर नहीं शौच कर ले जाना पड़ता है, बहुत कुछ कर दिया। नहीं दिखा रहा देवा में। आप एक युवा है, युवा से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, क्या युवा बेरोजगार है या फिर उन्हें रोजगार मिल गया है? बहुत अच्छे तरह से युवा मस्त है अपने। 100% बेरोजगार है। अभी यूपीपी की अभी परीक्षा हुई थी, परीक्षा होने से पहले ही लीक हो गई। ना ही कोई जीता है ना कोई हारा है, और भाजपा कह रही 400 सीट पहले आ गई, 80 की 80। ऐसा क्यों? अब वो पहले जानते हैं इसलिए कह रहे हैं ऐसा है। अच्छा, ऐसा क्या है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया है? विपक्ष बोल रहा है कि पहले से ही सत्ता कह रही है कि 400 पार, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें, ठीक है, तो वो एक तरह से ब्लेम भी कर रहा है देखा जाए। जब उनको पहले से ही पता है कि हम 80 की 80 जीत लेंगे तो इससे आगे क्या है? और कैसे पता, यही तो जानना चाह रहे हैं। अब ये वो जान सकते हैं क्योंकि उनको सब करना है, कैसे क्या करना है उनको सब सेटलमेंट है उनका। और बाराबंकी में इस बार हाथ का पंजा जीतेगा तनुज पुनिया, क्योंकि इसलिए कि बाराबंकी में जो विकास पुनिया ने किया है वो करीब 100 सालों में किसी ने नहीं कर पाया। ओवर ब्रिज का पुल बनवा दिया बाराबंकी जिले के, कम से कम हर साल 100 से 150 लोग मरते थे, आप मीडिया से जाके निकाल लेना, जब दो दो क्रॉसिंग के जाम लग जाते थे, कम से कम 100 लोग हर साल मर जाते थे, इसलिए कि जब क्रॉसिंग बंद हो जाती थी तो कम से कम 1 घंटा लगता था, वो जिला अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते थे। जो काम पुनिया ने किया वो किसी ने नहीं किया। रही बात मंदिर की, तो मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, कांग्रेस ने नहीं बनवाया है, ना तो सरकार उसी सरकार में है, तो ये लोग मानते हैं कि बीजेपी ने। जब सरकार में कोई होगा तो भाई काम तो होगा ही, सरकार से क्या लेने देना। लेकिन उससे पहले की जो सरकार नहीं लगाया है, पैसा आम जनता ने लगाया है, और जो लोग मानते थे उन्होंने लगाया है। सरकार ने पैसा लगाया है? अब ये आप बताएं। नहीं लगाया है, ना ही इसका कोई सबूत है कि सरकार ने पैसा लगाया है। और लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि जो इतने सालों से जो मुद्दा पड़ा था वो हमने खत्म कर दिया, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीत जाएंगे, उनको पहले से पता जीत जाएंगे तो इसके आगे क्या है। जैसे आप जानते हैं कि बोतल में पानी भरा, तो आप जानते हैं कि बोतल में पानी भरा है, लेकिन हो सकता है वो खाली ही हो, लेकिन आप उसमें भर चुके हैं ना, तो आप जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें कैसे जीतना है। तो अभी माहौल क्या लग रहा है, कमल खिलेगा या 100% कांग्रेस जीतेगी तनुज पुनिया? अच्छा, तनुज पुनिया कभी आते हैं आपके गांव में? हमेशा शीशा उतार के चलता है। इससे पहले उसके जो पिताजी थे पीएल पुनिया, उन्होंने भी शीशा कभी बंद करके नहीं चलाना, एसी चला के चलाया गाड़ी, कभी शीशा उतार के सभी लोगों से मिल के जाता है, जीतेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप भी एक युवा है, वोट करते हैं, किसकी तरफ वोट जाएगा? मेरा वोट तो मैम बीजेपी को जाएगा। बीजेपी जी। बीजेपी ने युवाओं के लिए क्या किया है मैम? युवाओं के लिए नौकरियां, जैसे इस टाइम दिक्कत है अभी, अभी सरकार जब से आई है फिलहाल अभी तक अभी नौकरियों को दिक्कत है, लेकिन देश की मतलब अर्थव्यवस्था को देखा जाए अगर, तो वर्तमान की सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं। जैसे आप देख लीजिए उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए खाना बनाने में दिक्कत होती थी, सबसे बड़ा काम उस पर किया उज्ज्वला योजना, देखिए फिर महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था शौच के लिए, घरों में लैट्रिन की व्यवस्था करवाई है, और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनको मकान मिला है,
काफी परिवार थे जो मतलब विकास कार्य हुए हैं आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से वर्तमान की सरकार ने 150 काम किए, गिनाने की उसमें कोई जरूरत नहीं। ये आप गरीबों के बीच में जाके आप मालूम कर सकते हैं कि जो परिवार आज टेंट में या रोड साइड पे रह रहा था, उसको आज एक अपना खुद का मकान, खुद का मतलब लैट्रिन, और उसके घर में गैस चूल्हा और अन्य सारी सुविधाएं सरकार ने दी हैं। जैसे कृषि से संबंधित 2000 रुपये हर महिला, हर जिसके पास ज़मीन है जो खेती से रिलेटिव है, उसके अकाउंट में आ रहा है। बाकी सरकार उज्ज्वला योजना और लैट्रिन और आपके प्रधानमंत्री आवास योजना और कोरोना के टाइम सबसे बड़ी सरकार की सूझबूझ के कारण आज लाखों लोगों की जान बचाई गई है वैक्सीन के द्वारा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वर्तमान की सरकार ने जैसा माहौल अपने देश के अंदर था उससे बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन सरकार की सूझबूझ की वजह से आज सभी लोग सुरक्षित हैं। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, तो बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश जी। राजेश जी, बताएं क्या माहौल लग रहा है इस वक्त बाराबंकी में? बाराबंकी माहौल सब ठीक ठाक है। बाराबंकी माहौल सब ठीक ठाक है। कैसा कमल खिलेगा या फिर हाथ का पंजा छुपेगा? कमल खिलेगा। राजरानी रावत ने क्या किया है आपके क्षेत्र में? बहुत कुछ किए। जैसे कि जौन कुछ करे वाला उनकी उनके कत्ता कोई करवाए नहीं किन। और कहा तनुज पुनिया का भी बोलबाला है, तनुज पुनिया की तरफ भी लोग जा रहे हैं। तनुज पुनिया बोलबाला है, तनुज पुनिया का तनु कोई बहुत कुछ किए। वाह, और बिराजदार बनवा दिए, हजारों आदमी मर जा रहा है। बाराबंकी ले जाए जाके नंबर नहीं आवत रहा है, क्रॉसिंग बंद हो जा रहा है। और ब्रिज बना दीजिए, चाहे जत कोई चाहे जत आवे जाए, जान तो सबकी बच रही है। तनुज पुनिया के समर्थक कह रहे हैं उन्होंने बनाया है, राजरानी रावत के समर्थक कह रहे हैं कि उन्होंने ओवरएस ब्रिज बनवाया है। हाँ बनवाई तो है, अगर मेरा बनाए थारे बन गया है। और भी आपसे भी बात करते हैं, आपके पास भी आते हैं, वोट किसे करते हैं? वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। आपसे सवाल रह गया है, आपसे भी सवाल कर लेते हैं, किसे वोट कर रहे हैं, किसे जिता रहे हैं? मैं तो बीजेपी को वोट कर रहा हूँ। बीजेपी सब तरफ बीजेपी 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 क्योंकि इसमें सबसे मेन मुख्य है कि गुंडई जब खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक को लोग पैसा कमा लेंगे। गर्दी खत्म हुई, हमको तो लग रहा है बहुत हद तक कंट्रोल में है। जो स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं क्या जनता को मिल रही हैं जो वादे किए थे? तो देखो स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, ये भी बहुत लोग बना है आपका? मेरा तो बना है। आपका लाभ लिया? मैंने खुद जा कर गाँव में बनाया। मैं एक सीएससी सेंटर चलाता हूँ, मैं जा कर लोगों का खुद बनाया हूँ। कम से कम 10,000 कार्ड मैं खुद बनाया हूँ लोगों का, जा गरीबों का। पहले था जो अब 5 लोगों का, जैसे जिसका राशन कार्ड 5 लोगों का है, तो भाई 5 लोगों का बड़ी फैमिली अब हो जा रही है, तब उनका भी सरकार अलाउ कर दिया है आयुष्मान कार्ड बनने के लिए। अच्छा, आयुष्मान सिस्टम फिर अब नया अपडेट आया है, जो 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अब उनका सभी के लिए बनाने के लिए ऊपर से आ गया आयुष्मान कार्ड। हाँ नोटिफिकेशन। अच्छा आयुष्मान कार्ड की बात किया तो आपसे पूछ रहे थे, कहते हैं कुछ लोगों का कहना है कि जो कार्ड बना है उसे कोई लाभ नहीं मिलता है, जब अस्पताल में लेकर जाओ तो कहते हैं कि इसमें कोई हम फायदा नहीं दे सकते। हम तो जितने लोगों को बनाए हैं, हमको खुद लेकर चलो, कौन सा अस्पताल कार्ड मान्य नहीं करता। मैं 3 लोगों को मैं अभी तक ले गया हूँ, कार्ड को मान्य हो गया है। यानी कि जो सरकार ने वादा किया वो पूरा हो रहा है? मेरे हिसाब से तो हो रहा है। एक और युवक बैठे हमारे साथ, बात करते हैं आपसे भी, बात कर लेते हैं। नाम क्या है? आनंद सिंह। क्या करते हैं? मैं फाइनेंस सेक्टर से हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि माहौल जो है बाराबंकी का वो किधर जा रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। क्या क्या ऐसा है यहाँ बाराबंकी क्षेत्र में बीजेपी ने क्या किया है जिसे लोग उनकी तरफ मुड़? एक तो सरकार इतनी अच्छी है, बहन बेटियाँ अपनी सेफ हैं, बॉर्डर पे जो भी हमें जो BSF वगैरह की सुविधाएं भी अच्छी होती जा रही हैं, अपना जो शस्त्रगाह है वो मजबूत होता जा रहा है, यही चीज़ें चाहिए और क्या। अच्छा, तनिष पुनिया का कहना है कि अगर हमारी यहाँ सीट आती है तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा विकास करेंगे, रोजगार भी देंगे, जो लड़कियां हैं उनके लिए सुरक्षा और प्रदान करेंगे, अस्पताल खोलेंगे, ये उनका कहना है। तो ये तो पहले से ही चला आ रहा है। किया है पहले भी उन्होंने वादे किए तो पूरा? वो पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा हो रहा है ना, अभी तो पूरा हो रहा है ना। तनुज पुनिया और भी अच्छे से पूरा कर लेंगे अपना जो भी आएंगे। आप किधर हैं? अभी तो बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। बीजेपी अपने वादे पूरे कर रही है इस क्षेत्र में। हाँ, पूरे। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं पीछे खेत हैं, खेत में काम करने के बाद कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा आराम करने के लिए बैठे हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। दादी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दादी जी खेत में काम कर रही थी, अब निकाय उगाई चल रही है, क्या काम कर रही थी आज?
अब आज पानी लगाया है पिपरमिंट में, इधर यही खेत में अभी अंजन जो खड़ा है तो अब सींच का आयन है। खाना वाना यही लाती हैं कि मतलब घर जाते हैं? अब घर जाते हैं हम सींच का यहाँ। अभी खाना वाना खाई नहीं? कुछ नहीं, सुबह खा लेकर आ सकती हैं ना? हाँ लेके आई हुए, अब का घर जा रहे हैं अब यहाँ काम खत्म हो गया। दादी चुनाव आ रहा है तो किसको आप वोट करेंगी? राजरानी रावत को जानती हैं? अरे वोट तो मिलवे करिए। किसको सोचा है, कौन अच्छा काम कर रहा है कुछ बता सकती हैं? अरे वो वोट सब जो कोई काम करे वही सब बढ़िया है, हाई की नहीं है तो। अच्छा क्या चाहती हैं चीजें जो किसान, किसानों की जो समस्या है तो क्या चाह रही हैं सरकार से कि वो किसानों को और दे? और दे है कहे ना, सब कोई दे है। अभी बोलिएगा बताइए दादी क्या चाहती हैं और सरकार क्या करे आप लोगों के लिए? अब उधर हमारा वो घर गिरा पड़ा है, नवास मिला नहीं आपको? कुछ नहीं मिला है उधर, राशन कार्ड वो नहीं मिला है और ना तो खेत वाला पैसा वो नहीं मिल पावा है। राशन कार्ड बनके फिर उस पर राशन भी मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, लिखा पढ़ी नहीं हुई है क्या? हमका नहीं मिला है वही तो। यहाँ कौन है प्रधान? प्रधान प्रधान हमारे चार मायन हैं गांव के, तो उनसे कहिए जाइए कि हमारा बने। कहा नहीं कहे रहन, मतलब क्या बोले उनका देखा जाए तो कहे रहन बना है। ठीक है, तो मतलब आपको आवास नहीं मिला है, शौचालय मिला है आपको? हाँ, अब ही कहाँ मिला, कुछ नहीं मिल पाओ, कुछ नहीं मिला। हाँ। अच्छा दादाजी भी हैं, दादाजी से भी बात करते हैं। दादाजी आप बताइए, आप दादी के साथ ही हैं? अच्छा तो दादी बता नहीं पा रही तो आपसे ही क्लियर करते हैं, जो आवास है उसके लिए आपने आवेदन किया था, मतलब पर्चा वर्चा भरा था फॉर्म? अरे कसम इन्हें भरी नहीं, हमने भरे झूठ बोलवा, इन्हें भरी नहीं। तो क्या बता रहे हैं क्यों नहीं मिल रहा है भाई? अब ये हम क्या बताए, कहने दे रहे हैं ना, कोई बतावा कि हम कहते हैं के हैं यू कहें आप। अभी आपके यहाँ राजरानी रावत आएंगी, तनुज पुनिया भी हो सकता है आए, तो उनसे ये बात रखिएगा भाई, वोट मांगने के लिए आ रहे तो आपका भी अधिकार है ना कि उनसे ये बात कर। बात है। हाँ, तो क्या बोले? तो वो कहना हो जाएगा तुम्हारा, अपना कहना है बस। तो जब वोट मांगने आएंगे तो आप फिर कहिएगा। तो ठीक है, हमको दब लगते कहते भाई। भाई आप वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम दिया तीन चार ठोरी, हमारे घर के वोट रहे हैं पाँच छठ हो रही नहीं है। सहमत है किसी से भाई? राजरानी रावत हैं, दो लोग हैं इनको तो हम दिया है। हाँ। हमारे गांव खुद मुखिया है। हाँ। मुखिया काम कर रहा है? हाँ कर रहा है, वो भी कि कान की मशीन ला देंगे हम, कान की मशीन प्राइवेट भी लाए। हाँ। आज तक ये मशीन मुझे नहीं मिली सरकारी। अच्छा पैसा वैसा मांग रहे थे? नहीं पैसा नहीं मांग रहे, वो झूठ बोली हुआ और त्रिपुरिया के सामने उनके सामने जाने से कह रहा डायरेक्ट इनका मशीन दिला दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। तो क्या करें हम, वो कहते हैं इन्हें बना दे बस, देखो अब दे। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, क्या और कुछ होना चाहिए क्या? क्या लगता है? अब यहाँ हमसे लेना फार्म लेना है, कागज भरवाए हैं पूरा जमा करवाए साल में सब हो गया, लेकिन हमको फार्म मशीन नहीं मिली। जब नहीं मिली तो हम कहा देने? अब फिर आपके पास मौका है, जब आपके पास वोट मांगने आए अब फिर से कहिए देखिए हम आपको वोट दे रहे हैं तो हमारा भी अधिकार बनता है कि आप हमें चीज़ें दें, जिस लिए हम वोट दे रहे हैं। भाई लोग किस लिए वोट देते हैं, कि हमको चीज़ें मिले है ना, तो आप इस बार क्या कहेंगे? हम तो सफा कह देते हैं कि तुम वोट मांग रहे हो, वोट तुमको हम दे रहे हैं, दे देंगे ठीक, लेकिन हमारी परेशानी तो कोई दूर करिए तो कहले हाँ दूर हो जाएगी। लेकिन लोग दूर जब हो जाते हैं तो कोई कबूल रोड पर निकलते हैं, गांव भी छोड़ देते हैं, बंदी भी छोड़ देते हैं, वोट मांगने आते हैं इसके बाद आते ही नहीं, बस लोग नहीं आते कोई, यही है शक्ल नहीं दिखाता। राशन कार्ड आपसे भी बात करते हैं, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। आपको मिला आवास वास? हमको कुछ नहीं मिला है। तो किस लिए नहीं मिला, आपने फॉर्म भरा था? हाँ फॉर्म भरे रहन, फिर इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, कुछ जानकारी नहीं भाई, शौचालय आवा रहा है वो भी नहीं मिला है। शौचालय के लिए लिस्ट बनती है? लिस्ट बनी रहा है, ऊपर जो है प्रधान से मालूम किया, कहें तुम्हारा लिस्ट आई है पैसा आवा है, लेकिन हमका पैसा नहीं मिला तो अपने पास से हम बनवाएन है। तो प्रधान से मिलते कहते जब हमारा पैसा आया है तो पैसा दो, तो प्रधान है तो नहीं देन पैसा, तो अब जो लाभार्थी होते हैं उसके अकाउंट में आता है, प्रधान के पास आता ही नहीं है। लेकिन तब जो है यही सूचना राय कहें कि हम चेक देवे तुमका, और चेक है नहीं आज, तो जब ये जत्ती चेक दिया है ये काम हो जाए तब जो है तुमका दूसरा चेक देवे,
अब जौन है ना वो काम हो पाओ ना हमका चेक देन, फिर बार बार ब्लॉक का हम दो बार तीन गए है वो पर कोई सुनवाई नहीं भाई है, तब अपने पास से शौचालय बनवाएन है। कितना रुपया लगा? रुपया हमारा 35,000 लगा है। 35,000 लग गया है। मीडियम में बनवाएन है। अब सरकार तो पैसा दे रही है, 20 के लोग नहीं बनवा रहे, तो इसमें गलती किसकी है? लेकिन गलती तो वहाँ प्रधान की रही ना, कि जो हमका नहीं देन, प्रधान हमसे खिलाफ रहे। और कौन दूसरा खड़ा था? और एक जौन है नरेश रहे, नरेश गौतम, तो वो तो हारन के रहे। तो अब दूसरे को मौका दो, हो सकता है वो काम कराएं। अब जो है देखिए मौका हम सबके पास ही होता है। एक एक ठाकुर जो है भय है सुमन सिंह, तो वो भी जो है इतने इतने चाला में हम निकल रहे हैं बारिश जब होती। कौन सा गांव है आपका? सरैया। सरैया तो किस ब्लॉक में आता है? देवा ब्लॉक। देवा ब्लॉक में आता है सरैया गाँव। हाँ, मुजरे सलारपुर। तो जब पानी बरसत है तो निकले का कोई रास्ता नहीं है। जब वोट मांगे खोते तो आवत है, यू काम तुम्हार कर दे भाई, वो काम कर दे भाई। आज तक जो है ना खड़ंजा है ना नाली शुद्ध भाई है, चाहलम निकले थे, अब कोई सुनवाई नहीं। यही मौका है, फिर जनता के पास मौका है समय, क्योंकि लोग वोट मांगने आ रहे हैं। हाँ। और सिर्फ ये लुभावने वादे करेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं। यही तो होता वोट के बारे में ही आवत है, फिर लौट का जो है सब भूल जाते हैं। आज मौके पर देख लिया जाए कि हमारे घर का कोई रास्ता नहीं है। कहना यहाँ पर ये मुश्किल होगा कि जो जनता है यहाँ की बाराबंकी लोकसभा जो सीट है वो कौन पार करेगा। तो यहाँ अपने अपने लोगों की विचारधारा है, लेकिन 20 मई को यहाँ की जनता तय करेगी कि इस बार यहाँ पर अपना सबसे पसंदीदा अपना लोकप्रिय सांसद किसे चुनेगी, कमल खिलाएगी या फिर हाथ का पंजा छापेगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं मधुमिता, एनटीवी निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।